नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। एंड आई एम प्रशांत, एंड हियर आर द मेजर स्टोरीज फॉर द डे। अमित शाह बने देश के नए गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा तो निर्मला सीतारमण को मिला वित्त मंत्रालय। यूपीपीएससी की पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा स्थगित, इलाहाबाद में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 14 खाली पड़े स्कूलों को कोचिंग सेंटर्स को किराए पर देने का फैसला। शिक्षाविदों ने कहा यह है शिक्षा का बाजारीकरण। दक्षिण कर्नाटक में पीने के पानी का संकट। कोलंबिया में राजनीतिक बंदी सेंट्रिक रिहा। और सूडान में हड़ताल में फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत। सबसे पहले बात मोदी के मंत्रिमंडल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को शपथ भले ही राजनाथ सिंह के बाद ली, लेकिन सरकार में उनकी भूमिका नंबर 2 की रहने वाली है। नई सरकार में अमित शाह को गृह मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसी तरह निर्मला सीतारमण को रक्षा की जगह वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, परमाणु ऊर्जा एवं महत्वपूर्ण नीति से जुड़े मुद्दों वाले तथा बिना आवंटित विभाग रहेंगे। पूर्व विदेश सचिव रहे एस जयशंकर भारत के नए विदेश मंत्री बनाए गए हैं और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्रालय मिला है। पीयूष गोयल फिर से रेल मंत्री बनाए गए हैं, जबकि नितिन गडकरी परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने रहेंगे। मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर न्यूज़क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ ने वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता और उर्मिलेश के साथ विशेष बातचीत की। आइए समझते हैं विभागों के बंटवारे की राजनीति। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़क्लिक। न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम जो कैबिनेट की स्वेयरिंग इन हुई है, शपथ ली गई है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उर्मिलेश है और परंजय गुहा ठाकुरता है। पहले बात शुरू करेंगे उर्मिलेश से। कोई मेजर सरप्राइज आपको लगा इस कैबिनेट में? दो एक है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर बाहर से एक आदमी लिया, क्योंकि रक्षा मामले जैसे होते हैं, स्ट्रेटजिक अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, कहीं ना कहीं लगता है कि प्रतिभा तो बहुत है बीजेपी में, बहुत सारे चीजों को लेकर जी के बारे जी, में क्या? लेकिन कई बार होता है कि आपको अगर वाकई परत दर पर चीज़ों को समझना है तो कुछ लोगों को लेना पड़ेगा मजबूरी में। एक ज़माना था जब ये लोग बाहर से लेते थे ऐसे लोगों को, बाद में भी उन्होंने लेना शुरू किया। निर्मला सीतारमण को लिया, निर्मला सीतारमण जेएनयू में फ्री थिंकर थी, कोई जेएनयू में कोई बहुत उनका पॉलिटिकल या राजनीतिक हैसियत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आई राष्ट्रीय नेता बन गई। तो वैसे ही जयशंकर तो बहुत बड़ी प्रतिभा पहले से थे भाई, विदेश सचिव थे और कारगर विदेश सचिव थे और राष्ट्रदूत थे, अमेरिका और चीन दोनों जगह, अमेरिका और चीन चीन में भी थे जी, चीन जगह और चीन को काफी समझते हैं वो। जो मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात से चल रही है, इस वक्त कैबिनेट में भी काफी क्या कहे मुख्य स्थान में हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं तो अमित शाह जी के बारे में कुछ बताएंगे हमें। इससे पहले जैसे उर्मिलेश ने बात किया, सबसे जो मैं तो सबसे आश्चर्य हो गया जब निर्मला सीतारामन जी को वित्त मंत्रालय थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब उनका शिक्षा जवाहरलाल नेहरू में, वहाँ पे भी उन्होंने अर्थशास्त्र वहाँ पे पढ़ा था, उससे पहले भी सीता लक्ष्मी रामस्वामी कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में उन्होंने पढ़ा, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पढ़ा। और आप भूलिए मत, इससे पहले एक बार वो जेटली जी का जूनियर थे और वाणिज्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री थे। मगर आज लोग काफ़ी आश्चर्य हो गए थे क्योंकि वो इंदिरा गांधी थोड़ी देर के लिए वित्त मंत्री रहे थे, बट फर्स्ट फुल टाइम वुमन हु हैज बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर, जस्ट लाइक शी वॉज द सेकेंड वुमन टू बी द रक्षा मंत्री। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट आपने जैसे कहा, ये अमित शाह जी के, और एक तरह से अब समय बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अभी बाजार में लोग बहुत लोग का नाम हम सुन रहे हैं, जेपी नड्डा जी का नाम हम सुन रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ ये भारतवर्ष के इतिहास में पहला बार एक व्यक्ति जो पूरा देश का जो पुलिस है उसके ऊपर एकदम इंचार्ज है,
उसको खुद गिरफ्तार किया गया। 3 महीना के आसपास उनको जेल जाना पड़ा। 25 जुलाई 2010, क्या आरोप था? वो सोहराबुद्दीन केस में मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ये सारे आरोप थे। और गुजरात हाई कोर्ट ने 3 महीने के बाद उनको बेल दिया था और 29 अक्टूबर 2010 में उनको बेल मिला। मगर द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन में वहाँ का एक जज, जज आफ्ताब आलम, एक याचिका लेके, एक पिटिशन लेके उनको घर पहुँचा और ये कहा कि 2 साल आप गुजरात के बाहर आपको रहना पड़ेगा। इसीलिए कि तब इन्वेस्टिगेशंस हिंदी में कहते हैं तड़ी पार, और उसका यही है कि इन्वेस्टिगेशन जारी था और इसीलिए कि इन्वेस्टिगेशंस को अफेक्ट ना करे, इसीलिए उनको एक्सटर्न किया गया था गुजरात से। मेरा कहना यह है कि आई डोंट थिंक एनी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज हैड अ रिकॉर्ड लाइक दिस। ही ऑफ कोर्स कि ये सारे बेबुनियाद है, सारे आरोप इनके खिलाफ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मगर और भी ऐसे सारे आरोप उस समय गुजरात स्नोप गेट के बारे में भी हम सोचा, गुजरात का राइट्स जब दंगा हुई थी, हिंदू मुसलमान दंगा। मगर एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा, आप जैसे कहा मोदी जी के साथ जो जोड़ी उनकी काफ़ी साल से चल रही, और अमित शाह जी का एक जो बैकग्राउंड है, ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और फिर गुजरात का जितने सारे समवाय जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक का भी इंचार्ज होता है, अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक, वो एक समय ही वॉज हेडिंग इट। मगर जिस तरह का तरीका से वो चुनाव का सारे प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रो मैनेजमेंट बारीकी से कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल, has his ability and his skill to micromanage elections and social engineering. Social engineering जो आप कह रहे हैं, micromanaging, लोगों को जानना क्या उनका रुझान क्या है, उनका क्या मैसेजिंग, अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग मैसेजिंग किया जा सकता है, मास मैसेजिंग आप करते हैं टेलीविजन से, माइक्रो सोशल मीडिया से, माइक्रो मैनेजिंग जब करते हैं तब अब जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप को हथियार बना दिया इन्होंने, एक तो हथियार बना दिया तो सभी कह रहे हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, पर व्हाट्सएप और टेलीविजन में फर्क जो है कि अब माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हैं, हर कम्युनिटी को अलग अलग टारगेटिंग कर सकते हैं, और ये तभी कर सकते हैं जबकि आपके पास सबके फ़ोन नंबर्स हो, आप सबको जानते हैं कौन किस कम्युनिटी का है, किस जेंडर है, किस एज ग्रुप में है, कौन सा भाषा घर में बोलते हैं, इनकम क्या है। ये जो माइक्रो टारगेटिंग की जो प्रोफाइलिंग है, माइक्रो प्रोफाइलिंग, डेमोग्राफीज जो कहते हैं, ये तभी हो सकता जब आपके पास पैसा हो, साधन हो उस तरह के, और उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो। और अमित शाह की जो एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स करके जो उन्होंने संस्था बनाया है, जो कि बीजेपी की दायरे के अंदर नहीं है, अमित शाह के दायरे के अंदर है एक हिसाब से, और उसके ऊपर खर्चा, उनके लोग, उनकी पूरी संगठनात्मक शक्ति जो है इस तरह के चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है। लोग कहते हैं कि एवरेज स्टार्टिंग सैलरी अगर इन सब चीज़ों में आप बीजेपी के साथ जा रहे हो तो 60,000 रुपया है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट लेवल ऑफ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल स्किल। ये जो चीज़ है ये अमित शाह को दाद देनी तो पड़ेगी इसमें कि ही हैज़ क्रिएटेड दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर द इलेक्शन विच नो अदर पार्टी हैज़ क्रिएटेड। अब बात UPSC की, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। इसकी प्रमुख वजह LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होना है। इस मामले में STF की कार्रवाई और परीक्षा नियंत्रक का गिरफ्तार होना है। STF ने परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही STF और क्राइम ब्रांच अन्य आरोपितों को की गिरफ्तारी के लिए कई जिलों में छापेमारी कर रही है। STF के मुताबिक कोलकाता की एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू लता कटियार के साथ मिलकर पेपर लीक किया और फिर 2.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक में बेच दिया। बताया जाता है कि PCS मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने का टेंडर भी इसी प्रेस को दिया गया था, जिसके बाद PCS 2018 की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई।
इस परीक्षा की नई तारीख का अभी फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने यूपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन उग्र भी हो गया और इस दौरान हुए भारी हंगामे और पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। यूपीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने न्यूज़क्लिक से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच होने तक आयोग की सभी लिखित परीक्षाएं और प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हो। साथ ही परीक्षा नियंत्रक और अंजू कटियार के कार्यालय में हुई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए। अब बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। एक अप्रत्याशित फैसले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने 14 खाली पड़े स्कूलों को कोचिंग सेंटर्स को किराए पर देने का फैसला किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार आर्थिक तंगी के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित स्कूलों में 7 सदर बाज़ार और पहाड़गंज के इलाके में हैं तो 4 नरेला जोन के अधीन आते हैं। करोलबाग, सिविल लाइंस और केशवपुरम जोन के 3 स्कूलों को ई ऑक्शन किया जाएगा। हम बता दें कि आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए निगम ने गर्मी की छुट्टियों में मिशन बुनियाद के तहत चलाए जाने वाले कक्षाओं में भी मिड डे मील देने से इनकार कर दिया था। निगम का यह फैसला शिक्षाविदों और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रास नहीं आ रहा है। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए वरिष्ठ शिक्षा शास्त्री अनिता रामपाल ने कहा कि यह निर्णय शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा देगा। आरटीआई का अनुभव हमें बताता है कि हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए अब और ज्यादा स्कूलों की जरूरत है। We now go to another state where the drinking water crisis is quite rife. A few days ago, we reported how the southern state of Tamil Nadu was facing an acute water crisis. Now it turns out Karnataka is facing a similar situation too, with the situation especially worse in the southern parts of the state. In the Udupi district, over 100 schools have begun to close halfway through the day because they are not in a position to provide midday meals to their students. This is part of a larger crisis in the district and the region as a whole, with nearly 26 districts being supplied with drinking water through tankers. The Karnataka government has declared a drought-like situation in over 3,122 regions in the state. Many reservoirs in the state are actually at water levels much lesser than compared to last year. And the Baje Dam, which is one of the main sources of water for the Udupi district, has reached a dead storage limit. It is in this situation that the district education authorities decided that it made sense to close the schools halfway through the day rather than close them completely. Karnataka is suffering a water crisis for a number of reasons. On the one hand, groundwater sources have depleted massively. On the other, the monsoon has not performed very well, leading to a massive scarcity of water. It is in this situation that the northern districts of Karnataka are forced to depend on water being discharged from Maharashtra, whereas the southern districts don't have an alternative yet. In our international section, we first go to Colombia, where political prisoner Jesus Santrich was released on May 30th after weeks of legal proceedings. Santrich was released following an order from the Colombian Supreme Court, which declared that he still had the privileges of a member of parliament or legislator and hence could not be prosecuted by the ordinary justice system. Jesus Santrich was a leading commander of the former guerrilla group, Revolutionary Armed Forces of Colombia, also known as FARC. A few years ago, negotiations began between FARC and the government of Colombia, and in 2016, peace agreements were signed in Havana. Following this, Santrich became a leading member of the new political party that was formed, which is also called the FARC. However, last year, Santrich was arrested at the instigation of the Drug Enforcement Agency of the United States on the charge that he had been trafficking cocaine. Of course, at that time, while he was being arrested, the Colombian government did not give any proof of when this had happened or what had happened. Santrich's arrest was widely condemned because one of the provisions of the 2016 peace accords was that members of the FARC would be judged only by a special jurisdictional authority called the Special Jurisdiction of Peace, which would judge any crimes committed during the war. The Colombian establishment claimed that the trafficking of cocaine had happened after the peace agreements, but once again provided no proof of the same. Santrich, who is also blind, languished in prison for nearly a year in very difficult circumstances. On May 15th this year, the Special Jurisdiction for Peace, also known as the JEP, pronounced a verdict declaring that Santrich could be tried only by it and not by the regular judicial process.
Following this, on May 17th, Santrich was released. But within seconds of his release, was once again arrested by officials of the Attorney General's office, who presented fresh charges. It later turned out that Santrich had been drugged just before his release to make sure that he would not resist arrest. When Santrich's lawyers visited him after his second arrest, they found that he was in a very poor condition health-wise. Doctors came and declared that he had suffered a cardiac arrest, and he was found to be in a very bad situation. It is following this that the Supreme Court took up the case and announced his release. Following his release, Santrich declared that he would continue to work for peace in Colombia and that he was very eager to participate in the legal process to clear his name. In our second story, we go to Sudan, where at least two protesters were killed while participating in a massive countrywide strike against the military junta. The strike began on May 28th and continued to May 29th, and 90% of almost all sectors in Sudan were closed during this process. The strike was called by the Sudanese Professionals Association to protest against the military junta, which has been refusing to give up power to the civilian authorities after the overthrow of former President Omar al-Bashir on April 11th. On the first day of the strike, the Rapid Security Force, a paramilitary outfit which is known for having in its ranks many human rights offenders, attacked a bank and held many employees hostage. After this, the power of the strike increased as large sections of the banking sector also joined in. The strike also was participated in by many other sectors, including doctors, journalists, factory workers, and various sectors across the country. On the second day, the very same rapid security forces ended up firing on the protesters in Khartoum, who were demanding that the junta give way to civilian rule. It is at this point that two protesters were killed, including one pregnant woman. The military junta has been quick to blame this incident on one drunk soldier. But many people who were there at the protest have pointed out that the firing happened after a confrontation between the rapid security forces and other sections of the military who were unhappy with the RSF and were on the side of the protesters. With temperatures rising and tensions also increasing, it remains to be seen what will happen in Sudan in the next couple of days, as the civilian forces led by the Sudanese Professionals Association are insistent that power be returned to the civilians. That's all we have in the international section. आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाएंगे प्रसिद्ध कन्नड़ कवि रंगनाथ कांतन कुंते की कविता के साथ, जिसका हिंदी अनुवाद किया है इंडियन कल्चर फोरम के साथियों ने। लेकिन भूलिएगा नहीं, क्लिक कीजिएगा हमारी वेबसाइट newsclick.in। वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे धर्म के ध्वजवाहक हैं। नहीं, दुनिया के किसी धर्म ने आवाम को ऊपर नहीं उठाया। हमें आगे बढ़ने के लिए धर्म की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए थकान मिटाने के लिए काम और प्यास बुझाने के लिए पानी, एक अमन पसंद शहर। हमें चाहिए खाना, कपड़ा, घर और शिक्षा। मजदूरों का धर्म तो उनका काम होता है। वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते बहुत अच्छा हैं, कि वो घंटों तक बोल सकते हैं। नहीं, वो अगर ना भी बोलें तो ठीक है, पर उन्हें बताया जाए कि वो गुस्से में अपने विरोधियों पर हमले ना करें, कि उनके शब्दों से किसी के जहन में खौफ ना पैदा हो, कि उनके पास एक दिल हो जो सुन सके चिड़ियों और प्रेमियों का फुसफुसाना। उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जाए जो लोगों का प्यार जीते। उन्हें बताया जाए कि कोई भी हमेशा के लिए ताजपोश नहीं रहता। उनसे कहा जाए कि वो एटम बमों की बात ना करें, ताकि हमें देश के तख्त पर एक आत्म प्रेम से भरा राक्षस ना देखना पड़े।